फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू अवर चैनल। हर साल ताजमहल में 3 दिन का शाहजहां और मुमताज जी का उर्स लगता है। यहां पर उनके वन चर्च प्रिंस तुसी आकर चादर पोसी करते हैं। ये चादर हजारों फीट लंबी होती है। पूरे साल में सिर्फ 3 दिन ही शाहजहां और मुमताज जी की ओरिजिनल कवर खोली जाती है। तो हम लोग आज वही देखने जा रहे हैं ताजमहल में। हमारे साथ आलम भी है। हेलो, कैसे आप सभी? ठीक है। तो हम लोग ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ताजमहल पहुंचने के लिए। और आप भी आइए ताजमहल और आप भी देखिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आप सभी को उनकी ओरिजिनल कवर दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है। लेकिन हम लोग जितना हो सकता है उतना करेंगे कि कोशिश आप सभी के लिए कि आप सभी को हम लोग शाहजहां और मुमताज जी की ओरिजिनल कवर दिखा सकें। फोन से अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग फोन से वीडियो बनाकर देखेंगे। और उनकी डुप्लीकेट कवर ऊपर बनाई गई हैं, जो कि पूरे साल भर देख सकती हैं आपको वो। लेकिन ओरिजिनल कवर जो होती है वो सिर्फ 3 दिन खुलती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। इसीलिए हम लोग वो दिन वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जा रहे हैं ताजमहल ताकि हम लोग भी देख सकें शाहजहां और मुमताज जी की ओरिजिनल कवर। हम आ चुके हैं अभी फतेहाबाद रोड में। ये रोड है VIP रोड। ताजमहल रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। वाह, कितना ब्यूटीफुल है। ये है द सॉर्ट कैफे, ये आप देख सकते हैं प्योर वेज रेस्टोरेंट है। अब हम लोग ताजमहल के पश्चिमी गेट के तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं ताजमहल में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ताजमहल में पहुंचने के लिए। ये देखिए आलम आगे बैठा हुआ है। आलम को पता भी नहीं था अभी मैं इसका ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अब पता चल गया। हाँ, पता चल गया अब। शिल्पग्राम कुछ दिनों में यहाँ पर ताज महोत्सव लगने वाला है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं ताज फुटपाथ में। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर ताजमहल घूमने के लिए आए हैं। आलव ये खड़ा हुआ है। आलव, हेलो। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आलम पूछ रहे हैं कैसे हैं आप सभी। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप कैसे हैं। और क्या आप भी ताजमहल घूमने आए हुए हैं? अभी पता चला कि आज कल परसों ये 3 दिन ताजमहल की टिकट फ्री है। हुर्रे, मजा आ गया अब तो। ये जा रहा है आलम। ये रहे हमारे पापा और मेरा भाई आलम। ये है ताज नेचर वॉक। आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ से पार्क है, आप देख सकते हैं। ये पार्क बहुत ज्यादा बड़ा है, हम तो इसे एक दिन में पूरा घूम भी नहीं पाएंगे। अभी हमें इतना सारा रास्ता पैदल चलना है। अभी तो वहाँ तक हमें सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उसके आगे भी हमें आलस तो थक गया। हमें बहुत सारा अभी चलना है। यहाँ पर हम लोग किसी भी साधन से चल नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे कार्स नहीं है। और थक चुकी हूँ मैं। आज तो मैं हील्स ही पहन के आई हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे पैर में नस चढ़ गई है। दर्द हो रहा है, मैं पता नहीं तो चल पाऊंगी। मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह से। लेकिन अभी मेरी तो थोड़ी एनर्जी है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम लोग चल सकते हैं। बिकॉज हम लोग इतना दूर आए ताजमहल, तो हम लोग ऐसे वापस तो जा नहीं सकते। पूरा घूम के जाएंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे अभी इतनी सारी शॉप्स हैं, तो मुझे इनको देखकर अंदाजा लग रहा है कि अभी ताजमहल कितना दूर है। मैं थक चुकी हूँ।
गेट कितना नजदीक है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चली हूँ, अब मुझे थोड़ा कम चलना पड़ेगा, देखते हैं शायद यहाँ से भी बहुत दूर चलना पड़े, आई डोंट नो। बस लेकिन अब थोड़ा तसल्ली हुई, ताजमहल का एंट्री गेट है ये। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको दिखाया था ताजमहल का एंट्री गेट पश्चिमी तरफ से ताजमहल का एंट्री गेट अब क्लोज हो चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं पूर्वी गेट की तरफ से, और अब मुझे नहीं पता कि वो कितना दूर है, बट मैं आपको दिखाती रहूँगी वहाँ की लोकेशन। और आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आज की पूरी टिकट्स फ्री है, हुर्रे। ये है ताजमहल का पूर्वी गेट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है गार्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लाइन लगी हुई है एंट्री करने के लिए। यहाँ पर खो गई, तो प्लीज आप सभी मुझे यहाँ पर ढूंढने आना, यहाँ पे इतनी भीड़ है, तीन एंट्रेंस हैं इसके, एक करके बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा है। यहाँ पर गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आज। तो आप देख सकते हैं एंट्री ओपन हो गई है, अब यहाँ पे चेकिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा पसीना आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं लेडीज लाइन में, तो फ्रेंड्स हमने फाइनली चेकिंग पास कर ली है, कर चुके हैं हम लोग चेकिंग, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कहीं मैं खो तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हम वापस पूर्वी गेट की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए ये दो बनाया हुआ है, इसके रास्ता से कि ताजमहल 1892 में ऐसा हुआ। ये सारी पिक्चर्स कैप्चर की गई हैं। ओ वाओ। कितना बड़ा ताजमहल है। तो फाइनली हम लोगों की एंट्री हो चुकी है ताजमहल में, वाओ लुक एट दिस। यहाँ पे हुई थी अतरंगी मूवी की शूटिंग, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ।
देखो हम लोग आ चुके हैं ताजमहल। मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए ताजमहल कितना पास आ चुका है और यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है ताजमहल पे, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग ताजमहल पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये है यहाँ की नदी और ताजमहल के और ये नदी के पार करके है मेहताब बाग, जहाँ हम लोग पहले भी जा चुके हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। यार आधा घंटा हो गया फ्रेंड्स, तो सॉरी हम लोग यहाँ का ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, आधा घंटा हो गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर। ये देखिए हम आपको अभी लाल किले का व्यू दिखाएंगे, आप देख सकते हो वो ये दीवार जा रही है, ये पूरे लाल किले की दीवार है, दिखाई और ख़त्म नहीं हो रहा है, आप देख सकते कितना बड़ा है। ओ, ये है हमारा ताजमहल। तो ये है आलम और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आज मेरा पूरा पसीने से नहा लिया आलम, आज पसीने से नहा लिया और अब हमें भी नहीं पता कि यहाँ पर अंदर जाने तक हमें कितना और टाइम लगेगा, समझ को नहीं चल सकता अभी। और आलम का फेस देखिए कैसा है, पूरा लाल हो गया। सो अभी हमें पता भी नहीं है कि कितना टाइम रहेगा और थोड़ी देर में शायद ये लाइन ख़त्म हो सकती है, कम से कम 50 घंटे। और आधे घंटे से हम लोग बस ये नदी का व्यू देख रहे हैं, ताज मेहताब बाग और ये नदी का व्यू और ये पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर पता नहीं क्या है, ये पूरी खाली पड़ी हुई है, शायद ये VIP रोड होगा। फ्रेंड्स अभी हमें पता चल रहा है कि 3 बजे के बाद एंट्री चालू हो जाएगी ताजमहल की, तो अभी 1:45 हो रहे हैं, 1:45 दोपहर के। आलम अभी पानी पी रहा है, आलम को प्यास लग रही है, बिल्कुल मैं घंटे आया था एकदम जान ही नहीं थी, और अभी तो बहुत ज़्यादा चलना है, तो 15 मिनट हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं थोड़ा। ये देखिए सच्ची में मैं तो परेशान हो गया था, आलम परेशान हो गया था, मैं डरा गया। चलो ये देखिए यहाँ पर सूफी महफिल का आयोजन किया गया है। तो अभी हम नीचे तहखाने में जा रहे हैं, यहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज महल की ओरिजिनल ग्रेव हैं,
यहाँ पर कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आप सभी के लिए ये सीन शूट किया है बहुत रिस्क लेके। आप देख सकते हैं नीचे बहुत अंधेरा था, इसीलिए पिक्चर्स भी क्लियर नहीं है, लेकिन हमसे जितना हुआ हमने आप सभी के लिए उतना शूट किया। अभी हम आ चुके हैं ऊपर, आप देख सकते हैं ये है शाहजहाँ और मुमताज़ महल की डुप्लीकेट ग्रेव। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, आप इसे पूरे साल भर देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ज़रूरत है इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। चार साल बाद आज हमने कोल्ड ड्रिंक पिया है, बिकॉज आज हम लोग बहुत ज़्यादा थे और अब हमसे खुद कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। हमने आपको यहाँ का व्यू दिखाया था, ये देखिए हम लोग यहाँ पर थे, अब आप और कुछ देख सकते हैं। कच्ची में वहाँ पर ताज महल में चल जैसे हम पूरा थक रहे थे। तो आप सभी को हमारा ताजमहल का व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना।